श्री कृष्ण कहते हैं, जब लाख कोशिशों के बाद भी न बने काम तो सफलता पाने के लिए जरूर आजमाएं। ये उपाय जीवन में कई बार ऐसा भी समय आता है जब तमाम कोशिशों के बाद भी आदमी के काम नहीं बनते या फिर बनते बनते रह जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, दुखों का मूल कारण है अज्ञान। यदि आपके साथ भी यही समस्या है तो कार्यों में सफलता पाने का महामंत्र जानने के लिए जरूर पढ़ें। ये लेख टॉटर जीवन में जब आपके कार्यों में अचानक से अड़चने आने लग जाएं या फिर आपके बने बनाए काम बिगड़ने लगे और लाख कोशिशों के बावजूद कोई काम समय पर न पूरा हो, तो आपको एक बार सनातन परंपरा में बताए गए उन उपायों को एक बार करके जरूर आजमाना चाहिए, जिन्हें करते ही सारे सपने शीघ्र ही पूरे होते हैं और आपकी सफलता की राह में आ रही सारी अड़चने अपने आप दूर होने लगती हैं। यदि आपके साथ इन दिनों कुछ ऐसा ही घट रहा है और बहुत प्रयास के बावजूद आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको नीचे दिए गए इन उपायों में से एक उपाय शीघ्र ही करके देखना चाहिए। पहला, सूर्य की साधना से संवरेगी किस्मत। जीवन में जब आपको लगे कि आपके भीतर आत्मबल कमी या निराशा का भाव आ रहा है, तब आपको प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की साधना विशेष रूप से करनी चाहिए। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को अग्र्य दें। सूर्य को अग्र्य अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का पाठ विशेष रूप से करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति के भीतर चमत्कारिक रूप से आत्मबल बढ़ता है। दूसरा, शिव की पूजा से पूरे होंगे सारे अरमान। यदि आपका मन हमेशा अशांत रहता हो या फिर कहें हर समय किसी न किसी उधेड़बुन में लगा रहता हो, तो शुक्ल पक्ष के 5 या 7 सोमवार को शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं। दूध से मिले गंगा जल या शुद्ध जल को शिवलिंग पर चढ़ाते समय भगवान शिव के मंत्र AUM नम शिवाय मंत्र का जप करते रहें। तीसरा, ऐसे दूर होगी शनि की सनसनी। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में शनि की सनसनी सी छाई हुई है और बने बनाए काम भी बिगड़ते जा रहे हैं, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती या शनि की महादशा से जुड़े कष्टों से उबरने के लिए आप सुबह सरसों का तेल दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। इस उपाय को करने से शनि से संबंधित सारे कष्ट दूर होंगे और आपको किसी भी शत्रु या बाधा का भय नहीं रहेगा। चौथा, भय को दूर करने के लिए करें ये उपाय। यदि आपको हमेशा किसी झात या अज्ञात शत्रु का भय बना रहता है या फिर आपको किसी अस्त्र शस्त्र से किए जाने वाले हमला का खतरा हो, तो आपको 7 शनिवार सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ की जड़ को पानी देना चाहिए। इसके बाद वहां पर सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। इस उपाय को श्रद्धा भाव से करने पर किसी भी प्रकार के अनिष्ट की आशंका नहीं रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, दुखों का मूल कारण है अज्ञान। परंतु उसके पास न कोई साथी था, न कोई गाइड करने वाला, उसके परिवार में भी उसकी सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ
क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निलिया निर्णय किया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिनों बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलापन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी मनुष्य को अपने विपरीत परिस्थिति में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसी भी परिस्थिति हो, उस समय धैर्य ना खोएं और शांति से अपने अच्छे समय के आय का इंतजार करें। हम सभी की जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब वो चीजें जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी होती हैं, वे हमसे दूर हो जाती हैं या हमें मिल नहीं पाती। ये कुछ भी हो सकती है। आर्थिक मंदी के दौरान जॉब की तलाश करना, किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना जो कभी खत्म ही ना हो रहा हो, या किसी एप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्स का इंतजार करते रहना, ये सभी आपको निराश महसूस करा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, दुखों का मूल कारण है अज्ञान। तो दोस्तों, सच ये है कि मुश्किल समय हर किसी की लाइफ में आता है और हमें कभी ना कभी इसका सामना करना ही होता है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग इससे आसानी से निपट लेते हैं और कुछ के लिए इससे डील करने में मुश्किल होता है। इस समय से गुजरने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप जान लें कि यह समय ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा और आप इससे निकल जाएगी, चाहे इसमें कुछ महीने लगें या एक साल। अगर आप खुद को कभी ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आगे बढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा हो और आप हार मान रहे हो, तो खुद को संभालने के लिए हमेशा इन टिप्स को ध्यान में रखें। पहला, मुश्किल समय आपको मजबूत बनाता है। आप बेशक इसे महसूस ना करें, लेकिन यह सच है। आपको पता भी नहीं चलेगा और यह समय आपको अपने तरीके से इंटरनल स्ट्रेंथ, धैर्य और एंड्योरेंस सिखाएगा। ये क्वालिटीज आपको आपके अगले चैलेंज का सामना करने में मदद करेंगी। साथ ही आप अपने साथ मुश्किल समय में दूसरे लोगों की मदद भी कर पाएंगे। दूसरा, ब्रेक लें। ब्रेक लेना का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़कर घर बैठ जाएं और इस टेंशन में रहें कि इसके बाद आपको जॉब मिलेगी या नहीं। ब्रेक लेने से हमारा कहना है कि आप खुद को रिलैक्स करें, चाहे ब्रेक फिर एक ही मिनट का हो। इससे आपको यह सोचने में मदद मिलेगी कि आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और ऐसी क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है। तीसरा, इस बारे में बात करें, जब तक कोई समस्या आपके मन में रहती है तब तक वह सोल्व नहीं होती और समस्या ही रहती है। इसलिए इसके बारे में बात करना आपको बेहतर महसूस करा सकता है। अपनी परेशानियों को साझा करें। आप किसी दोस्त से बात कर सकते हैं। यह न केवल आपके तनाव को कम करेगा बल्कि आपको यह भी एहसास कराएगा कि दोस्ती कितनी खूबसूरत है। चौथा, समझें कि यह समय भी गुजर जाएगा। खुद को इस बात की याद दिलाते रहें कि यह एक दौर है और यह गुजर जाएगा। यह तकनीक आपको इस लाइफ साइकिल को समझने में मदद करेगी
और आप जानेंगी कि किसी भी चीज पर हमेशा के लिए आपको स्ट्रेस नहीं करना है। पांचवा, पॉजिटिव सोचें। किसी भी समय में खुद को शांत और रिलैक्स रखने के लिए पॉजिटिविटी बेहद जरूरी है, इसलिए समय लें और उस दौर को याद करें जब आप अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे थे। ये आपको इस कठिन समय से निकलने में मदद करेगा और आप समझेंगे कि आप हार नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में हर कोई इंसान जल्दी सफलता प्राप्त करने की रेस में लगा हुआ है, हर कोई इंसान जल्दी सफल होना चाहता है। दोस्तों, सफलता बाजार में बिकने वाली कोई वस्तु नहीं है जो हमें तुरंत बाजार में जाकर खरीद सकते हैं। सफलता पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत सही दिशा में करनी पड़ती है। कौन से क्षेत्र में सफल होना है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, दुखों का मूल कारण है अज्ञान। उसके बारे में पहले पता होना चाहिए, उस क्षेत्र के लिए सही है कि नहीं वो देख लेना चाहिए, उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। क्या आप भी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो आए जानते हैं सफल होने की 7 टिप्स के बारे में। पहला, स्वयं को पहचानना और निरीक्षण करना। सफलता पाने के लिए हमें खुद को पहचानना बहुत जरूरी है, मतलब आत्म अवलोकन करना, अर्थात स्वयं को जानना। हमें अपनी अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए, हमें अपने पसंदगी के अनुसार कार्य करना चाहिए। दूसरे लोग सफल बनते हैं तो हम क्यों नहीं, स्वयं को समझने की शक्ति आपको बना सकती है सम्राट। आत्मबोध होते ही मनुष्य का जीवन रूपांतरित होता है और स्वयं को समझने की शक्ति उसे सफल बना देती है। मानव का स्वभाव है हमेशा दूसरों का निरीक्षण करना। मानव हमेशा दूसरों के बुराइयां और गुणों के बारे में बातें करता है। दूसरों का निरीक्षण करना गलत तो नहीं है, किंतु दूसरों का ही निरीक्षण करना वो गलत है। हमें खुद के गुणों और दोष के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा करने से हमारे में क्या कमी है, क्या खूबी है, हमें क्या सुधार लाना चाहिए आदि वो सब बातें हम जान सकते हैं और खुद को सुधार कर हम बेहतर बन सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना, सफल होना है तो सबसे पहले हमें अपनी पसंद रुचि का पत्ता होना चाहिए, मतलब हमें कौन सा कार्य करना पसंद है, उस कार्य को करने का शौक है, फिर उसके अनुसार कार्य को ढूंढना चाहिए और वो कार्य करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो कार्य आपके लिए सही है कि नहीं वो देखना चाहिए, उस कार्य को करने के लिए ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए। जितना हो सके अपने पसंद के क्षेत्र में अपनी पसंद के अनुसार कार्य को करे, उतना ही वो कार्य में सक्सेस मिलने की आवश्यकता बढ़ जाती है। तीसरा, लगातार प्रयास करना। सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहने चाहिए। जो भी सफल व्यक्ति बना है उसको एक बार में ही सफलता नहीं मिली होगी, उसने भी असफलता का स्वाद चखा होगा, उनकी मंजिल तक पहुंचने में उन्हें कई कठिनाई का सामना किया होगा। दूसरी तरफ कुछ लोगों को बहुत जल्दी ही सफलता प्राप्त करनी है। जो भी लक्ष्य प्राप्त करना हो उस लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटे और उसे पूरे करते समय अपने आप को गिफ्ट दें और हर पल मौज मस्ती से काम करें। ऐसा करने से काम करने में मजा भी आएगा और कंटाला नहीं आएगा। अतीत में जो भी गलती हुई हो वो गलती दोबारा ना हो, वो ध्यान रखें, अपनी गलती को सुधारिए और आगे बढ़ते रहे। चौथा, धैर्य बनाए रखना। सफल होने की महत्वपूर्ण बात है धैर्य बनाए रखना। सफलता फटाक से नहीं मिल सकती है, उसके लिए कई बार प्रयास करना पड़ता है। पहली बार सफलता नहीं मिली, दूसरी बार नहीं, तो आगे बढ़ते रहिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इंतजार कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए, असफलता से सीखिए। आपके संघर्ष में साथ देने वाला असफलता ही है, असफलता ही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। धैर्य ही आपको आने वाले सफलता के मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयों में मदद करेगा। आप धीरे धीरे धैर्य रखना सीख जाओगे और सफलता के मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे। पांचवा, प्रामाणिक रहना। सफलता के लिए
प्रामाणिक रहना बहुत जरूरी है। आपको ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए। ईमानदारी ही आपको सफलता के मार्ग में आने वाली मुसीबतों को सामना करने में मदद करेगा। परंतु आज के जमाने में सच्चाई पर चलने का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन अपने आप को ईमानदारी के मार्ग में ले जाए। जब आप सच बोलना शुरू करोगे तब आपको अनेक मुसीबत आएगी। जब आप सच बोलते हो तो लोगों आपकी निंदा करने लग जाएंगे। फिर भी अनेक मुसीबत आने के बावजूद आपको सच्चाई के रास्ते पर टिके रहना है। छठवां, दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। कभी भी आप अपने जीवन में दूसरों से तुलना मत कीजिए। जब आप दूसरों से तुलना करोगे तब आप बहुत दुखी हो जाएंगे। क्यों आप दूसरों से तुलना करते हो? कब तक आप दूसरों से तुलना करने में अपना समय बगाड़ेंगे? भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया है। सब में अलग टैलेंट है, सबका माइंड अलग है, तो दूसरों से तुलना करेंगे तो कहां मेड़ पड़ने वाला है। इसलिए तुलना करना छोड़िए और आपको जो भी मिले उसमें ही आनंदित रहना चाहिए। सातवां, लोगों की निंदा पर ध्यान मत दो। आप अपने में बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे वो भी सोचना छोड़ दीजिए। कोई भी कार्य करने की शुरुआत करोगे आपको कहने वाले हजारों लोगों आएंगे। लोग निंदा करें तो उन सब बात पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने कार्य करने में ध्यान दीजिए। वो निंदा करे तो गुस्सा मत कीजिए, बल्कि वो निंदा को अपनी ताकत बना लो और उस एनर्जी को अपने कार्य में लगाओ। जब आपके स्वाभिमान की बात आए तो बोलो तो अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर कोई सुखी होना चाहता है, यानी कि आजकल हर एक इंसान अपने जीवन को सुखी से जी सके, इसके लिए हमेशा कार्यरत होता है। लेकिन वास्तव में कोई इंसान सुखी है क्या? या फिर संसार में सबसे सुखी कौन है? ऐसा कौन है जिसे हम सुखी इंसान कह सके? तो ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, दुखों का मूल कारण है अज्ञान, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सुखी हो। किसी को कुछ ना कुछ समस्या होती ही है, लेकिन फिर भी हम आपको ये बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि संसार में सबसे सुखी कौन है। जो इंसान वास्तविकता का स्वीकार करता है वो सुखी होता है, क्योंकि जब हम वास्तविकता का स्वीकार कर लेते हैं तब हमें दुख नहीं होता है। यानी कि जब हम किसी बुरी परिस्थिति से गुजरते हैं, हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है, कोई इंसान हमारा दिल दुखाता है, तब हम उन परिस्थिति का स्वीकार कर लेते हैं जिसे हम दुखी नहीं होते। यानी कि जिंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं। अगर ये हमने स्वीकार लिया तो जब हमारे जीवन में दुख आता है तब हम उनका सामना करते हैं, क्योंकि हमें ये वास्तविकता का स्वीकार किया है। जिंदगी में सुख और दुख एक पहलू है, इसलिए हम हर एक स्थिति, हर हालत का स्वीकार करते हैं जिसमें दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए जिंदगी में सुखी होने हैं तो जिंदगी की वास्तविकता का स्वीकार करना सीखिए। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। जैसे कि अगर हम ये सवाल किसी को पूछते हैं कि इस संसार में सबसे सुखी कौन है, तो कई लोगों का जवाब ये होगा कि जिसके पास धन है वो सबसे सुखी होगा। तो कई लोग कहेंगे कि साधु संत सबसे सुखी होंगे, लेकिन आपको पता है कि संसार का सबसे सुखी इंसान कौन है? तो इस संसार का सबसे सुखी इंसान वो है जो संतुष्ट है, क्योंकि उसके पास संतुष्टि रूपी धन है जो उनको सुखी रखता है। जिसे हर एक चीज से वो संतुष्ट है, उसे किसी दूसरे की चीज से जलन नहीं होती, क्योंकि जो चीज उसके पास है उसी में उनको अपनी खुशी दिखती है। जिंदगी बदलने वाले प्रेरक विचार। संसार में वो इंसान भी सुखी होता है जो वर्तमान में जीता है। जैसे कि एक वृद्ध अतीत में जीता है जिसकी वजह से दुखी रहता है, एक युवा अपने भविष्य में जीता है जिसकी वजह से वो दुखी रहता है, जबकि एक छोटा सा बच्चा हमेशा वर्तमान में जीता है जिसकी वजह से वो हमेशा सुखी प्रसन्न रहता है। इसलिए अगर आपको भी जिंदगी में सुखी रहना है, अपने वर्तमान में जीना सीखो।
क्योंकि खुशी वर्तमान में ही है और जो वर्तमान में जीता है वो अपने आप को पहचान लेता है, यानी कि उनको सुखी होने के लिए न तो कोई वजह चाहिए और ना ही कोई वस्तु या इंसान। अगर कृष्ण कहते हैं मृत्यु लोक में हर कोई दुखी है, माया के चक्कर में फंसकर लोग दुखी हो रहे हैं, इस संसार में दुखी कोई भी नहीं रहना चाहता और सुख से कोई वंचित नहीं होना चाहता, जिसके कारण मनुष्य असंतोष में डूबा रहता है और कभी भी यह जानने का प्रयास नहीं करता कि दुख का क्या कारण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, दुखों का मूल कारण है अज्ञान, जिसके बिना मानव संतोष की प्राप्ति नहीं कर पाता है। यह कहना था पीयूष जी महाराज का, जो कि आप शंभु शिव मंदिर बनी गुद्दा कल्याल में एक दिवसीय सत्संग सम्मेलन के दौरान कथा की अमृत वर्षा कर रहे थे। पीयूष जी ने कहा कि सत्य को छोड़ अन्य जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वह हमें दुख ही देती हैं। यह बस माया रूपी इस संसार का नियम है कि एक इच्छा के पूरी होते ही दूसरी इच्छा का मन में जन्म हो जाता है, जो नित्य चलने वाला क्रम है। उन्होंने कहा कि यदि सुखों का पूर्ण आनंद लेना है तो सत्संग द्वारा पूर्णता का अनुभव करना होगा, इसलिए हर कोई प्रभु नाम का सत्संग जरूर करे। हमारे दुखों का विशेष कारण है हमारे अशुभ कर्म, पाप कर्म। पापों का अफल हमेशा दुखी देता है, सुख नहीं। इसे हर कोई जानता है, फिर भी मनुष्य पाप कर्म करता है और दुखों को मोल लेता है, गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि इस काम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हों कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही दे रहे हों। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हों। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हों, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा हो। पाठ में कितना खर्च कर सकते हैं यह तो केवल हमारी प्रदर्शन प्रियता है, दंभ है, स्वयं से किया छलावा है। यदि उस गिरधारी का प्रेम पाना है तो प्रेम से पुकारना ही पर्याप्त है। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। कर्म सकाम व निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह हैं जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में स्काम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्मकांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई
इस काम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हों कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही दे रहे हों। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हों। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हों, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल होता रहेगा, जिसके चलते आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आप हमेशा दुखी ही रहोगे। इसलिए आप जब भी पूजा करें तो पूरे विधि पूर्वक करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं। एक बार श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी सत्यभामा के हृदय में अपने पति को लेकर एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना श्री कृष्ण को सोने चांदी के गहनों से तौला जाए। सत्यभामा के पास गहनों का अथाह भंडार था। उन्होंने सोचा कि इस तरह मैं श्री कृष्ण को दिखा पाऊंगी कि मेरा प्रेम ही सबसे गहरा है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। श्री कृष्ण ठहरे अंतर्यामी। वे तुरंत ही सत्यभामा के मन की बात समझ गए और उन्हें अनुमति दे दी। सत्यभामा अपने प्रेम और धन का प्रदर्शन सबके सामने करना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने पूरी प्रजा को इस तौल को देखने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे पलड़े पर सत्यभामा नियत समय पर श्री कृष्ण तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए और दूसरे पलड़े पर सत्यभामा ने अपने गहने रखना प्रारंभ किए। सत्यभामा अपने गहने रखती चली गई पर पलड़ा ना झुका। सत्यभामा के सब गहने समाप्त हो गए तो उन्हें चिंतित देख सभी रानियां अपने गहने ले आईं और दूसरे पलड़े पर रख दिए, परंतु रंच मात्र भी अंतर ना पड़ा। इधर रानियों का चेहरा चिंता और उदासी से ढलता जाता था, उधर श्री कृष्ण के अधरों पर रहस्यमयी मुस्कान बढ़ती जाती थी। धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। सारी प्रजा यह जानने को उत्सुक थी कि महाराज आज तौले जा सकेंगे अथवा नहीं। क्या कारण है कि अथाह स्वर्ण भंडार भी श्री कृष्ण की बराबरी करने में सफल नहीं हो पा रहा। सभी यह तो समझ गए थे कि लीलाधर की कोई लीला अवश्य है, कुछ तो संदेश है जो भगवान आज हमें देना चाहते हैं। सत्यभामा की इच्छा पूरी ना हो सकी। सभी तरह के प्रयास करने के बाद भी जब सत्यभामा की इच्छा पूरी ना हो सकी, तब उसने थककर हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ही हमें इस समस्या से पार पाने का उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे कक्ष में गुलाब का एक फूल रखा है जो मुझे राधा ने दिया था, आप उसे ले आएं और पलड़े पर रख दें। सत्यभामा ने यही किया और देखते ही देखते श्री कृष्ण का पलड़ा झुक गया। हे भक्तों, मैं तुम्हारी भावना का भूखा हूं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे भक्तों, मैं तुम्हारी भावना का भूखा हूं, तुम्हारे धन का नहीं। मेरी दृष्टि में धन का कोई महत्व नहीं है। मेरा जो भक्त मुझे सच्ची भावना से पुकारता है, हृदय से प्रेम करता है, मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूं। असल में मैं स्वयं अपने भक्त के प्रेम का दास हूं। कोई भक्त मुझे क्या अर्पित करता है, यह मेरे लिए मायने नहीं रखता, बल्कि वह कितने प्रेम और समर्पण से मुझे पुकार रहा है, केवल यही भावना मुझे परम प्रिय है। दंभ है, स्वयं से किया छलावा है। तो देखा दोस्तों, मुख्य बात यह नहीं कि हम पूजा पाठ में कितना खर्च कर सकते हैं, यह तो केवल हमारी प्रदर्शन प्रियता है, दंभ है, स्वयं से किया छलावा है। यदि उस गिरधारी का प्रेम पाना है तो प्रेम से पुकारना ही पर्याप्त है। एक बार श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी सत्यभामा के हृदय में अपने पति को लेकर एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना श्री कृष्ण को सोने चांदी के गहनों से तौला जाए। सत्यभामा के पास गहनों का अथाह भंडार था।
उन्होंने सोचा कि इस तरह मैं श्री कृष्ण को दिखा पाऊंगी कि मेरा प्रेम ही सबसे गहरा है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। श्री कृष्ण ठहरे अंतर्यामी, वे तुरंत ही सत्यभामा के मन की बात समझ गए और उन्हें अनुमति दे दी। सत्यभामा अपने प्रेम और धन का प्रदर्शन सबके सामने करना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने पूरी प्रजा को इस तौल को देखने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे पलड़े पर सत्यभामा नियत समय पर श्री कृष्ण तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए और दूसरे पलड़े पर सत्यभामा ने अपने गहने रखना प्रारंभ किए। सत्यभामा अपने गहने रखती चली गईं, पर पलड़ा ना झुका। सत्यभामा के सब गहने समाप्त हो गए तो उन्हें चिंतित देख सभी रानियां अपने गहने ले आईं और दूसरे पलड़े पर रख दिए, परंतु रंच मात्र भी अंतर ना पड़ा। इधर रानियों का चेहरा चिंता और उदासी से ढलता जाता था, उधर श्री कृष्ण के अधरों पर रहस्यमयी मुस्कान बढ़ती जाती थी। धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। सारी प्रजा यह जानने को उत्सुक थी कि महाराज आज तौले जा सकेंगे अथवा नहीं। क्या कारण है कि अथाह स्वर्ण भंडार भी श्री कृष्ण की बराबरी करने में सफल नहीं हो पा रहा। सभी यह तो समझ गए थे कि लीलाधर की कोई लीला अवश्य है, कुछ तो संदेश है जो भगवान आज हमें देना चाहते हैं। सत्यभामा की इच्छा पूरी ना हो सकी। सभी तरह के प्रयास करने के बाद भी जब सत्यभामा की इच्छा पूरी ना हो सकी, तब उसने थककर हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ही हमें इस समस्या से पार पाने का उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे कक्ष में गुलाब का एक फूल रखा है जो मुझे राधा ने दिया था, आप उसे ले आएं और पलड़े पर रख दें। सत्यभामा ने यही किया और देखते ही देखते श्री कृष्ण का पलड़ा झुक गया। हे भक्तों, मैं तुम्हारी भावना का भूखा हूं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे भक्तों, मैं तुम्हारी भावना का भूखा हूं, तुम्हारे धन का नहीं। मेरी दृष्टि में धन का कोई महत्व नहीं है। मेरा जो भक्त मुझे सच्ची भावना से पुकारता है, हृदय से प्रेम करता है, मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूं। असल में मैं स्वयं अपने भक्त के प्रेम का दास हूं। कोई भक्त मुझे क्या अर्पित करता है, यह मेरे लिए मायने नहीं रखता, बल्कि वह कितने प्रेम और समर्पण से मुझे पुकार रहा है, केवल यही भावना मुझे परम प्रिय है। दंभ है, स्वयं से किया छलावा है। तो देखा दोस्तों, मुख्य बात यह नहीं कि हम पूजा पाठ में कितना खर्च कर सकते हैं, यह तो केवल हमारी प्रदर्शन प्रियता है, दंभ है, स्वयं से किया छलावा है। यदि उस गिरधारी का प्रेम पाना है तो प्रेम से पुकारना ही पर्याप्त है। तो दोस्तों, आपको यह हमारी वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, और हम आपको कोई भी कसम नहीं दे रहे हैं। और अगर आप श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, और अब हम मिलेंगे आपको फिर किसी वीडियो में।